हेलो एवरीवन, आई एम एकता। वेलकम टू द न्यू ब्लॉग। सो आई एम स्टार्टिंग दिस ब्लॉग फ्रॉम लाइब्रेरी। आई एम हैविंग अ ग्रीन टी, इट्स जैस्मिन फ्लेवर, इट्स अमेजिंग, यू शुड ऑल्सो ट्राई दिस। एंड सो आई एम डूइंग साइंस टेक्नोलॉजी PG365। आई हैव ऑलरेडी डन बायो टेक्नोलॉजी एंड आई टी एंड कंप्यूटर पार्ट। सो लेट्स सी हाउ मच वी आई कम्प्लीट टूडे। सो आई फाइंड इट वेरी इंटरेस्टिंग टू स्टडी, एंड इसमें कुछ चीज़ें ध्यान देने की ज़रूरत है, जैसे कि न्यू टेक्नोलॉजीज क्या आ रही है, उनके एप्लीकेशंस पे ध्यान देने की ज़रूरत है, उस पर क्वेश्चन बन जाता है। कोई न्यू टर्म है उससे रिलेटेड, और कोई डिजीज़ है उस पर क्वेश्चन बन सकता है कि वैक्सीन है अभी कि नहीं, ज़ूनोटिक है कि नहीं, ठीक है। सो या, और यहाँ पर मैंने स्पेस टेक्नोलॉजी एंड हेल्थ कम्प्लीट कर लिया है, बाकी ये हम कल करेंगे। इसके साथ साथ मैंने अपने जो बेसिक नोट्स थे उसको भी रेफ़र किया, उससे थोड़ी सी आसानी हो जाती है समझने में, और रिवीजन भी हो जाता है दो काम एक साथ, सो अमेजिंग। तो दिस इज़ द नेक्स्ट डे एंड आई एम एट होम एन्जॉइंग माई टी एंड ऑल्सो टेकिंग सम सनलाइट, विटामिन डी, बिकॉज पूरा दिन तो लाइब्रेरी में कट जाता है, ठीक है, उतना सनलाइट मिलता नहीं है, सनलाइट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और यहाँ पे मेरी थोड़ी तबीयत भी ठीक नहीं थी उस दिन, तो आई एम हैविंग अ ग्लास ऑफ हल्दी का दूध। सो या, हेयर आई रीच लाइब्रेरी एंड यहाँ पे मैं कर रही हूँ, रिवीजन कर रही हूँ अपना हिस्ट्री का, दैट इज़ एंशंट हिस्ट्री, एंड ऑल्सो मेकिंग नोट्स। इट्स जस्ट वन पेज, द पेज यू आर वॉचिंग, जस्ट मैंने इसको ही फिल किया है, जितना भी मुझे लगता था कि मुझे याद नहीं है, बस मैंने वही चीज़ें इस पर लिखी हैं जो मुझे याद थी, तो वो मैंने नहीं लिखी है। सो दिस इज़ द नेक्स्ट मॉर्निंग एंड यहाँ पे मैं UPPCS का घर पे ही सुबह एक स्लॉट लगा रही हूँ, जिसमें मैं वही करंट अफेयर्स जो लिस्टिंग लाई थी मैं उसी को पढ़ रही हूँ। सो या, सो एक स्लॉट घर पे लगाने के बाद मैं लाइब्रेरी के लिए निकल गई थी, और यहाँ पे मैं लाइब्रेरी पहुँच गई हूँ। उसके बाद मैंने साइंस टेक की जो PG365 है उसको कंप्लीट किया, और वो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया यहाँ पे, आई वॉज मार्किंग द फाइनल टेक्स। तो यहाँ पे डिफेंस को मैंने अच्छे से नहीं किया, उसमें से सेलेक्टिवली पढ़ा, क्योंकि बहुत ज़्यादा फ्रैक्चर हो रहा था और मैं उतना रिटेन नहीं कर पाती, तो इसलिए आई स्किप दैट पार्ट। एंड या इससे फिर एक रिवीजन तो हो गई है साइंस टेक की, वैसे देखते हैं दो रिवीजन ने और प्लान करी है, वो हो पाते कि नहीं। सो आफ्टर दैट आई टुक अप द मॉडर्न हिस्ट्री नोट्स, सो आई एम रिवाइजिंग दैट। तो मैं नोट्स से ही रिविज़न कर रही हूँ और लर्न करने की कोशिश कर रही हूँ, तो या इसमें थोड़ा सा आपको याद करना पड़ेगा। ओके सॉरी फॉर दिस लाउड वॉइस, आई नो थोड़ा सा इरीटेटिंग हो गया होगा, बट ये बारात जा रही थी रात में, और वैसे ही 11 बजे घर पहुँचा, उसके बाद इस बारात के चक्कर में ऑलरेडी टूट गया सोने में। एनीवेज बारात को जाने दो, और यहाँ पे मैंने ये चाँद को कैप्चर किया था, बहुत ब्यूटीफुल लग रहा था, कुछ तो बात है ना चाँद में। सो दिस इज़ द नेक्स्ट मॉर्निंग एंड आई वोक अप, और उसके बाद मैं लाइब्रेरी जाने के लिए रेडी हो गई, और यहाँ पे मेरी सिस्टर साहिबा अपना चश्मा भूल गई थी, तो उनको भी मुझे रास्ते में ये चश्मा पहुँचाना था। चश्मे जो जो लगाता है वो ये समझ सकते हैं ना कि अगर जो चश्मा लगाता है वो ना पहन के जाए तो उसको कुछ नहीं दिखता है, लिटरली सब धुंधला धुंधला हो जाता है, जहान बदसूरत हो जाता है। मैं यहाँ पे बेकार सी कमेंट्री करती रही, और हम लाइब्रेरी पहुँच गए, एक स्लॉट भी लगा लिया, और यहाँ पे मैं बोर होके पार्क में भी आ गई हूँ पढ़ने, क्योंकि बहुत नींद आ रही थी लाइब्रेरी में, और यहाँ पे आपने देखा कितना ब्यूटीफुल लग रहा था ग्रीनरी के बीच में पढ़ना, और यहाँ पे कैप्चर नहीं हुआ बट वहाँ पे छोटी छोटी सी बटरफ्लाइज उड़ रही थी, इट्स अमेजिंग। और थोड़ा सा हमने पढ़ भी लिया और थोड़ा फ्रेश एयर भी ले ली। सो उसके बाद मैं लाइब्रेरी गई, और यहाँ पे देखो हु केम टू चेक ऑन अस, हियर आई एम स्टिल डूइंग मॉडर्न हिस्ट्री, एंड यहाँ पर मैं जितने भी न्यूज़पेपर एंड जो भी जर्नल्स हैं, कुछ भी बुक्स हैं, उनको और उनके ऑथर्स को लिख रही हूँ वही नोट से मेन फेन के, और यहाँ पे मैं अपने लिए लिख रही हूँ, इससे लर्न करने में आसानी हो जाएगी। सो या, तो इसके बाद मैं घर के लिए निकल गई, और यहाँ पर मैं पहुँच गई हूँ, पर लेट काफ़ी हो गया था,
रिक्शाज़ उतने अवेलेबल नहीं थे, तो फिर आई वॉज़ वेटिंग फॉर माई फादर। सो विद डैट वी आर एट द एंड ऑफ द वीडियो। मैं जाती हूँ घर और आप जाओ पढ़ने। सो कीप स्टडिंग, बाय, विल मीट सून।